देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही गंभीर विषय पर बुलाई गई है, जो अभी सामने आया है कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है, और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना, और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्जाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें दो तीन बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। नीट का जहां तक सवाल है, इसके तीन प्रमुख बिंदु हैं। पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक वन 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं, और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया। और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50-60-65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक वन है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है, क्या वही खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिशन होना स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में, बस चुनाव के लिए, वोट के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं, खुद तो परीक्षा दिए नहीं है। परीक्षा अगर दिए होते तो दर्द मालूम होता। और आप लोगों ने एक दर्दनाक वीडियो देखा होगा, एक लड़की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली जब नीट का एग्जाम आया ठीक उसके बाद। और जब जब कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई गड़बड़ी हो रही है, इसका खामियाजा सीधे विद्यार्थी को भुगतना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं, सरकारी आंकड़ा है, हमने अपने घर में नहीं बनाया है, 1 घंटे में 2 जवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब 24 घंटे में 48 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। और लगातार ये जो परीक्षा का दबाव है उसमें 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। 1, समय पे एग्जाम का नहीं होना। 2, अगर एग्जाम हो तो उसमें व्यापक पैमाने पे धांधली होना और प्रश्न पत्र का लीक होना। और 3, जब प्रश्न पत्र लीक होता है, स्टूडेंट की तरफ से हंगामा होता है, स्टूडेंट कोर्ट जाते हैं, तो फिर एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देना। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बना हुआ है। और आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जिसको हम लोग स्टूडेंट का सेंटर कहते हैं, अगर आप रांची, पटना, बनारस, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली आए, फिर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, कोई भी ऐसा सेंटर जिसको हम स्टूडेंट सेंटर कहते हैं, हर जगह आत्महत्या की घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। राजस्थान में हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और काउंसलिंग
करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। और आप सबने देखा होगा इस बार के भी न्याय पत्र में हम भर्ती विधान लेकर के आए हैं, और भर्ती विधान में हम तीन बात प्रमुखता से कह रहे हैं। एक, सारी वैकेंसी भरी जाएगी, सारी वैकेंसी। बताइए, हर 5 साल में चुनाव हो जाता है, कोरोना के टाइम पर भी चुनाव हो गया, सब कुछ बंद रहा, देश में जनगणना नहीं हुआ लेकिन चुनाव हुआ टाइम पे। तो जब 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, 5 साल में जो है एमपी बदल जाते हैं, एमएलए बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं टाइम पे हो सकता है? एग्जामिनेशन का ऑलरेडी एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और दूसरा, बार 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 जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जो परीक्षा में धांधली होती है, उसमें हम एक नए करे कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। और हमने भर्ती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग शिक्षा माफिया हैं उनका सरकार से सीधे साठगांठ है, वो नेताओं से मिले हुए हैं, नेताओं से मिल करके जो है वो एक पूरा का पूरा जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो उसके लिए करे कानून की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक बात और जानकारी साझा कर दूं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी ने ये कमिट किया कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर लाएंगे, हम जो है नए आयोग का गठन करेंगे, समय पे जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और कोई भी गड़बड़ी करने वाले किसी भी नौकरशाही के ऊपर, किसी भी जो है कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, सिर्फ जो है बयानबाजी से बतौलेबाजी से काम नहीं होगा, ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेशल होना चाहिए। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए, और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? मां बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो मां बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो मां बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1, दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर, एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं, और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है
उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बैंक में समझने का, समेटने का नहीं है, यह बात है कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका जीवन मरण जुड़ा हुआ है इस बात से। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप देखिए वो लाइव वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है कि रिजल्ट आया है और लड़की जाकर के जो है जान दे दी है। और हम इस देश के विद्यार्थियों से, आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी कंसर्न है, आपने देश भर से मैसेज किया है, ईमेल किया है, फोन कॉल किए हैं और हमारे लिए सरकार बनेगी, बन जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन यह मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ज्यों ही इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमारा जो स्टूडेंट विंग है NSUI, उसके अध्यक्ष और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले को उठाया है और इसी गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और हम उम्मीद करते हैं आप तमाम मीडिया के साथियों से कि आपके घर के भी बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके भी बच्चे हैं, हमारे घर के भी बच्चे हैं और ये हमारे परिवार का और हमारे जो है देश के भविष्य का सवाल है। इस बात को जो है आप लोग भी इसी गंभीरता से उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।